आज जिस कहानी का वाचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वह है ठेस। फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई यह कहानी है और इस कहानी का वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ। कहानी को केवल पढ़ा जा रहा है, इसे समझाया नहीं जा रहा। तो कठिन शब्द कोई अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सृजन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सृजन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुँच कर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सृजन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात और है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, एक समय था जबकि उसकी मढ़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में, एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जाजा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी भी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों के घरवाली बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी कि तुम्हारी याद आई। घी की डाडी यानी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोदी की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीप को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचर मुँह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ, तुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अतकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरी की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी और इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझा जाता है। लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया,
बड़े लोगों के बस बात ही बात पड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सृजन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, भाभी ने हंसकर कहा था, बैरंग वापस। इसीलिए एक सप्ताह से पहले ही सृजन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सृजन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सृजन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झप्पी डालकर वह चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ में बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सृजन के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में सात तारे जगमगा उठे, सात रंग के, सद भैया तारा। सृजन जब काम में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती होठों पर। अपने काम में मगन सृजन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, च्यूरा और गुड़ का एक सूखा डेला। मैंने लक्ष्य किया, सृजन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सृजन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ च्यूरा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूँ। अरे मंजली, सृजन को बूंदिया क्यों नहीं देती। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सृजन के मुँह में च्यूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सृजन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, किसी के नए ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सृजन तुम काम करने आए हो अपना काम करो, बहुओं से बदकट्टी करने की तुम्हें क्या जरूरत है, जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। सृजन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, चुपके से पान का एक बीड़ा सृजन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सृजन दादा, काम काज का घर पांच तरह के लोग पांच किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत हो। सृजन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सृजन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सृजन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौआ जरदा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सृजन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौआ जरदा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, ये तो प्रो नस्ती। बस सृजन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा।
फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झांसे के मुँह में लगाम है ना आँखों में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बात टोली की औरतें सिर पर कट्ठा लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा को भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी पेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजिली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने गर्दन खिड़की से निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश्की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और यहीं यह कहानी समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसका वाचन भी आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।